नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हिंदुओं में मनाए जाने वाला माँ दुर्गा का पावन पर्व नवरात्रि देश के अलग अलग कोनों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मांस मछली अंडे और लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता। इन 9 दिनों एक सात्विक भोजन किया जाता है, जिसमें नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत के दौरान फल, सब्जियां, कुट्टू का आटा, साबूदाना, सामक चावल, डेयरी उत्पाद और सेंधा नमक को खाने में शामिल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों प्याज लहसुन, जो कि शाकाहारी भोजन की सूची में है और सब्जियों के परिवार का एक हिस्सा है, इन्हें खाने की इजाजत क्यों नहीं होती? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो उनकी प्रकृति और उनके उपभोग के बाद शरीर में ट्रिगर होने वाली प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है, जिसमें ये 3 श्रेणियां हैं: राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। व्रत या उपवास के दौरान सात्विक भोजन करने के पीछे धार्मिक पहलू होने के अलावा एक वैज्ञानिक कारण भी है। शरद नवरात्रि अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है, जो शरद ऋतु से सर्दियों के मौसम तक संक्रमण काल माना जाता है। मौसमी बदलाव के कारण इस दौरान शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार इस मौसम में सात्विक भोजन पर स्विच करने से आपका पाचन थोड़ा आराम मिलता है और आपके शरीर की सभी अशुद्धियों को साफ करने में मदद मिलती है। सात्विक भोजन क्या है? सात्विक का अर्थ है शुद्ध, प्राकृतिक, महत्वपूर्ण, स्वच्छ और ऊर्जावान। यही वजह है कि सात्विक भोजन आपके शरीर की अशुद्धियों को दूर करने और आपको ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। सात्विक भोजन में ताजे फल, दही, सेंधा नमक, कुछ मसाले, काली मिर्च, धनिया और मौसमी सब्जियां शामिल हैं। राजसिक और तामसिक भोजन। राजसिक और तामसिक भोजन को अपवित्र और विनाशकारी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों को एक शुद्ध और सरल जीवन अपनाने की परंपरा होती है। इस समय के दौरान राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थों को खाने से आपका ध्यान भंग होता है, क्योंकि इनमें चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, मांस मछली, लहसुन प्याज, अंडा, शराब, मशरूम शामिल है। नवरात्रि में प्याज और लहसुन क्यों छोड़ा जाता है? प्याज और लहसुन को प्रकृति में तामसिक माना जाता है और कहा जाता है कि यह शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। प्याज भी शरीर में गर्मी पैदा करता है और इसीलिए नवरात्रि में इसकी मनाई होती है। इसके अलावा यह माना जाता है कि प्याज के साथ लहसुन आपके दिमाग को सुस्त बनाते हैं। इसके अलावा प्याज और लहसुन जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देकर व्यक्ति की चेतना को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।